हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अलग वीडियो है। जिस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल और इंडिया के बारे में। क्या नेपाल पहले इंडिया में शामिल होना चाहता था या फिर नेपाल और भारत दोनों एक देश बनने वाले थे? ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही है सुनने में। काफ़ी टाइम पहले की बात है, जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब की ये बात है। और ये वीडियो मैंने आज देखी थी, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उस वीडियो को। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को इस बारे में नहीं है जानकारी, क्यों ना उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचाई जाए। और भारत और नेपाल के बीच में जो रिलेशन थे, जो संबंध हैं और आगे भी जो रहेंगे, उनको क्यों ना और मजबूत किया जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें वो वीडियो देखने को मिलेगी। फिर वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे नेपाल और भारत के बारे में, ओके। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, ओके दोस्तों। चलिए चलते हैं यूट्यूब पे। देखिए यूट्यूब पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे वॉज नेपाल गोइंग टू मर्ज इन इंडिया। देखिए पहली वीडियो है वॉज नेपाल गोइंग टू मर्ज इन टू इंडिया 1950 नेपाल इंडिया पीस ट्रीटी। अब 1950 की ये बात है, मतलब काफ़ी साल पुरानी ये बात है। क्या नेपाल और भारत एक देश होने वाले थे? इसका थंबनेल पे देखिए, क्या भारत और नेपाल एक देश होने वाले थे? क्यों इस वीडियो को पूरा देखा जाए। ये वीडियो हम देख रहे हैं भारत परिचय के यूट्यूब चैनल से, और वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ओके। मैं हेडफोन लगा लेता हूँ और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 गो। इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत वेलकम। और जिस तरह मुझे अपनी पिछली नेपाल पर बनी वीडियो पर रिस्पॉन्स आया है, शायद ही किसी और वीडियो पर आया हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ज़रा भी समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं नई वीडियो को। मैं कभी नेपाल तो नहीं गया, लेकिन जितना भी नेपाल के बारे में सुना है और देखा है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अगर कहीं किसी एशियाई देश में सुख और शांति है तो वो नेपाल है। वो नेपाल और वहाँ के लोगों के अंदर स्नेह, प्रेम और निर्मलता जो दूसरे लोगों के प्रति है, वो आज के युग में बहुत कम देखने को मिलता है। एक छोटा देश होने के नाते यहाँ के लोगों में गुणवत्ता कूट कूट कर भरी है। बिल्कुल। कल्चर तो हर देश में होता है। भारत अपने कल्चर को लेके पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वही नेपाल भी अपने कल्चर की वजह से पूरे विश्व में छाया हुआ है। बिल्कुल। खैर ये तो बात हुई नेपाल की डाइवर्स एथनिसिटी की, लेकिन आज इस वीडियो का मेन एम है कि नेपाल कभी भारत से क्यों नहीं जुड़ा। क्या इसमें कोई सच्चाई है कि नेपाल ने भारत से जुड़ने का प्रस्ताव रखा था? चलिए जानते हैं वीडियो के अगले भाग में। ठीक। 2010 तक केवल 3 ही ऐसे देश थे जहां हिंदू मेजोरिटी में रह रहे थे, नेपाल, भारत और मॉरिशियस। 1947 की आज़ादी के बाद नेपाल ने भारतीय संघ के साथ मिल जाने के लिए भारत को ऑफर दिया, लेकिन आरएसएस के पूर्व चीफ के एस सुदर्शन जी ने जब इस बात का खुलासा करा कि क्यों नेपाल भारत से नहीं मिला, तो उसकी वजह थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, नेहरू ने ही नेपाल के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। सुदर्शन जी ने 2008 में अपने एक भाषण में बताया कि इंडिपेंडेंस के कुछ ही समय बाद नेपाल के प्रधानमंत्री मतरिका प्रसाद कोइराला ने नेपाल वासियों से भारत में मिल जाने की इच्छा जताई थी। हालांकि इस बात का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, हम पक्के सबूत के साथ इस बात को सच नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन यदि मैं अपनी ओपिनियन यहाँ रखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल कभी ऐसा करता। कई इंटरनेट पर मिले सोर्सेस से यह भी पता चला कि 2001 में जब बीजेपी सत्ता में थी, तब किसी जर्नलिस्ट ने यह अफवाह फैलाई थी कि नेपाल ने भारत से मिलने का ऑफर दिया था 1947 में, लेकिन नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के डर से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि भारत आज़ादी के तुरंत बाद एक्सपेंशनिस्ट बन गया है। खैर 1950 में इंडिया और नेपाल ने बायलेटरल ट्रीटी को साइन करा,
जिसका उद्देश्य दोनों एशियाई देशों के बीच के अच्छे संबंधों को बरकरार रखना था। हाँ, खैर तो इसके बारे में आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हो, जो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के नाम से फेमस है। बेसिकली इस ट्रीटी का मूल रूप नेपालियों के लिए भारत में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को खोलना था। यह ट्रीटी इंडियन एम्बेसडर चंदेश्वर नारायण सिंह और नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा के बीच साइन हुई। 6 दशक से भी अधिक पुरानी यह ट्रीटी 2008 में खतरे में थी, जब नेपाल में कोएलिशन सरकार आई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता पुष्पा कमल दहल ने कहा था कि भारत के साथ 1950 की ट्रीटी को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत के साथ एक नए समझौते पर बातचीत की जाएगी। हालांकि वह इस मामले को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थे और उन्हें अपने कार्यालय के 9 महीनों के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा। चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने के कारण नेहरू चीन को तिब्बत से दूर करने में विफल रहे, और जब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने अपना दावा करना चाहा, तब भी नेहरू ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। वह कम्युनिस्टों का समर्थन चाहते थे, इसलिए चुप रहने का फैसला किया। नेहरू यूएन में अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को खुश करना चाहते थे, उनमें से कुछ तो नेपाल को वर्ल्ड मैप में ढूंढना भी नहीं चाहते थे। 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन भारत भाग गए, इसलिए नहीं कि वे चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। नेपाल में लोकतंत्र खतरे में था और राजा का शासन करने के लिए राणा शासन तैयार था। राजा ने राणाओं का विरोध किया था और इसलिए भारत का समर्थन करने का एकमात्र विकल्प था। यहाँ पर नेहरू हिंदू बहुसंख्यकों को एकजुट करने के अवसर का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यह नेहरू की अरुचिकर विरासत की शुरुआत थी। भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी अन्य देशों पर आक्रमण नहीं किया। हम चीन जैसे देशों द्वारा प्रचलित कम्युनिस्ट नीतियों पर विश्वास नहीं करते। 1950 ट्रीटी में 10 ऐसे लेख हैं, यदि ज़रूरत पड़ी तो इन पर बातचीत ज़रूर करी जाएगी। बिल्कुल करी जाएगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा, लास्ट में एंड में बताएगा कि अगर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पे डिस्कशन होगा और आगे चल के डिस्कशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि 1950 में नेपाल ने ऑफ़र रखा था कि नेपाल भारत साथ मिल जाएगा, इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, खाली अफवाहों के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। ये 1947 में जब इंडिया भारत आज़ाद हुआ था, उसके 3 साल बाद 1950 में नेपाल ने ऑफर रखा कि वो भारत साथ मिल जाए, क्योंकि हिंदू राज्य हैं जो कि मिल के रहते थे। तो जैसा कि भारत परिचय की यूट्यूबर ने कहा कि हमें नहीं लगता कि नेपाल ऐसा कोई कदम उठाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेपाल एक ऐसा देश है जिसमें, मतलब कि ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री है जहाँ पे राज किया गया हो, जो कि किसी ना किसी का गुलाम रहा हो। भारत भी अंग्रेज़ों का गुलाम था 200 साल तक, लेकिन नेपाल पे आज तक कोई भी राज नहीं कर पाया। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि नेपाल ने भारत के पास प्रस्ताव रखा कि वो एकजुट हो जाए। क्यों हो जाए, इसका हमें जवाब नहीं मिला कि नेपाल ऐसा क्यों चाहता था कि वो इंडिया के साथ मिल जाए, या फिर ये जो बातें कही गई हैं इसका कुछ ठोस सबूत हो, रिटर्न में कुछ हमें मिला हो, या कोई चश्मदीद गवाह हो इस चीज़ का, तो ऐसा कुछ नहीं है। खाली अफवाहों के आधार पर ये चीज़ें कही जा रही हैं, तो बाकी बारे में सच्चाई क्या है, अगर आप लोगों में से कोई भी इसकी सच्चाई को जानता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इंस्टा फेसबुक में मुझे मैसेज करके बताइए, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड और कोई वीडियो है तो उसका लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे मैसेज करके उस वीडियो का लिंक दीजिए, मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, जिससे कि और भी लोगों को सच जानने का मौका मिले और सच्चाई जान गए जिसके पास हो वो सच मुझ तक भी पहुँचे। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, सर की धमाकेदार पकड़ों के साथ। तब तक के लिए।